हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे फैंटेसी गुरुजी चैनल में। ये आपका चैनल है, हमारा अब ये सेकंड वीडियो है। और आज जो मैच खेला जाएगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच, इसकी टीम के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें हम टाइम टाइम पे स्टैट्स डालते रहेंगे और जो भी फर्दर डिटेल रहेगी या टीम में जो भी चेंज रहेंगी तो हम टीम डाल दी जाएगी। और आज का मेन मैच है अपना बिग बैश लीग का, हरिकेन्स और स्ट्राइकर के बीच में। इसकी टीम के बारे में आज बात करते हैं स्टैट्स वाइज। प्लीज़ हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये आपका ही चैनल है फैंटेसी गुरुजी के नाम पे। और आपको यहाँ पर हर टीम फ्री में दी जाएगी और उसके बारे में स्टैट्स भी। आप ड्रीम इलेवन पे कम से कम दो मैच ग्रैंड लीग के और एक दो मैच आप स्मॉल लीग का ही खेलना। मैं नहीं चाहता ड्रीम इलेवन पे सबके आप ज़्यादा ही इसमें प्रॉफिट में सोचे भी हम ज़्यादा कमा सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है। लक है, लग जाता है, कभी नहीं लगता। बट हम चाहते हैं कि आपको हमेशा विन कराएं और आपका पैसा लूज ना हो। चलो प्लेयर वाइज स्टैट्स के बारे में हम जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, जिससे हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको देते रहे। चलो बात करते हैं स्टैट वाइज। जैसे कि दोस्तों आज का मैच BBL T20 वाइज का है, हरिकेन्स और स्ट्राइकर के बीच में 36 मैच है। ये बेलवेरी ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा, तो प्लीज़ आप मेरे सब्सक्राइब कर लें और चैनल्स को भी मोटिवेशन मिल जाएगा इससे। और आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लॉगिन हो जाइएगा, क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। चलो प्लेयर वाइज स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। तो पिच रिपोर्ट यहाँ पर हम बता देते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। हमारे यहाँ T20 डोमेस्टिक जो भी हमारे खेला गया है, इसमें मैच टोटल प्लेड हुए 53 और इसमें बैटिंग जो फर्स्ट ली है उसमें 31 ने विन किया है और सेकंड बैटिंग वालों में 32 में विन किया। टाई जीरो हुआ, अब तक कोई टाई नहीं हुआ। उसमें फर्स्ट बैट में जो भी अभी एवरेज स्कोर रहा है 168 कराया, हाईएस्ट स्कोर इसमें अपने इसका हरिकेन्स वाला का रहा है, 212 पे 3 आउट रहे हैं। और आज की फेवरेट टीम भी यही रहेगी। अगर आप कोई बैटिंग वगैरह वाली ऐप चलाते हो तो आप उस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। तो अभी इसमें स्कोर बिटवीन 150-169 के करीब बनेगा, 20 मैचों में ही बना है और 70 और 190 के करीब 17 मैचों में क्रॉस किया है। यह एवरेज स्कोर है। टोटल मैच यहाँ पर 9 प्लेड हुए, फर्स्ट बैटिंग वाले 4 बार विन हुए हैं। और इधर ICC मैन T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है। और इसमें टाई वन हुआ है, एवरेज स्कोर यहाँ 141-136 रहा है। और स्पिनरों को यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सहायता मिली है और मतलब बहुत दोनों इनिंग में बहुत ज़्यादा स्पिनरों को विकेट मिली है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। दोनों टीमों की बात करें इस पिच रिकॉर्डिंग के बाद, दोनों ने एक एक विन किए हैं और एवरेज स्कोर 122-114 कुछ रहा है। इसमें पेसरों को बहुत ही कम विकेट मिले, स्पिनरों को ज़्यादा विकेट, इस चीज़ का ध्यान रखना। और हमारे हरिकेन्स और रेजिडेंस ये दोनों ही टीम रहेगी, इनमें स्पिन में ज़्यादा विकेट मिली है और कोशिश करना आप राइट हैंड वाले स्पिनर को ले। हेड टू हेड दोनों टीमों के बारे में बात कर लेते हैं। हेड टू हेड में ओवरऑल टोटल मैचेस प्लेड हुए 18, जिसमें हरिकेन्स वाले विन किए 7 और स्ट्राइकर ने जीते 11 और टाई 0। इस चीज़ को हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि टीम बनती रहती है, हारते रहते हैं, थोड़ा उस चीज़ में ध्यान रखना, क्योंकि अच्छे अच्छे प्लेयर इसमें फ्लॉप हो जाते हैं, तो आपको पता ही है। ये आपके लिए बोथ टीम के लिए बैट एंड बॉल स्टाइल में जो भी रहे। अपने हरिकेन्स वाले 5 मैच हुए, 2 विन किए, 3 लूज किए इसी ग्राउंड पे। और एडिलेड स्ट्राइकर ने भी 6 मैच खेले हैं, 3 विन हुए, 3 लूज हुए। इनका कौन सा बैट्समैन, कौन सा राइट हैंड बैट्समैन है, कौन सा लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ये स्टेट्स है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, आपके फायदे के लिए रहेगा। कुछ अपनी समस्या अगर आपको कुछ डालना है, निकालना प्लेयर पड़े तो देख लीजिएगा, ये आपके लिए स्टेट्स में लाता रहूँगा, इसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। चलो स्ट्राइकर प्ले 11 विद रिसेंट स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। अपने स्ट्राइकर का प्ले 11 विद रिसेंट स्कोर, एम शॉट ने अभी तक जो भी इनिंग खेली है उसमें थोड़े कम ही, एक दो ही ओवर कराए हैं और एच हंट कुछ परफॉर्मेंस नहीं देते। क्रिशलिन अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये मस्ट पिक रहेंगे हमारे। ए होस भी अच्छा खेल रहे हैं, ये भी मस्ट पिक रहेंगे। और ग्रैंड होमी का कुछ अच्छा नहीं चला है, इसका थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। और टी केली, रशीद खान भी एक दो ओवर में विकेट ले जाते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं चलते। और हसन नील्स जो विकेट कीपर है, ये भी ठीक है, अपने वी अगरकर विकेट ले जाते हैं हमेशा और थोड़ा बैटिंग में भी साथ दे देते हैं। हॉटरन हमेशा विकेट ले जाते हैं, मस्ट पिक रहेंगे। पी सीडल का स्कोर कुछ खास नहीं चला, एक मैच में उसने 8 रन के साथ 2 विकेट जरूर ली थी।
अपने जो स्ट्राइकर है इसमें प्लेयर वाइज स्टैट है कुछ आप देख लीजिएगा, इसमें हमने जो खेल रहे जो नहीं खेल रहे उस वाइज है एवरेज स्कोर वगैरह सारा कुछ मैच में। इसमें क्रिश्चियन जेवेदर ए हाउस का तो थोड़ा है ही, आज शायद जेवेदर ना खेले। चलो बात करते हैं, लकली बॉलर स्ट्राइकर के बॉलर है जो एम शॉट ओपन जो बॉलर कराने आते हैं एम शॉट और होट्रन वी अगर और पी सी डल, और जो डेथ में बॉलिंग कराते हैं पी सी डल हेट्रॉन और वी अगर पर। बॉलिंग इन्फॉर्मेशन में बात करें चार चार ओवर कौन डालेगा, दो ओवर डालते हैं मैच शॉट ज़्यादा, हेट्रॉन चार ओवर डालते हैं, पी सी डल बीच में महंगे साबित हुए थे इस वजह से थोड़े ओवर बीच में कट रहे हैं इनके, रशीद खान पूरे चार ओवर डालते हैं मस्ट पिक रहेगा, और ग्रैंड ग्रैंड होमी वाला बंदा है जो ये चार ओवर डालते हैं मैक्सिमम, कभी कभी डाल देते वी अगर कर भी चार डालते हैं, तो मैक्सिमम वी अगर कर ग्रैंड होमी इसके सिर्फ एक या दो ओवर कटते हैं, और आप रशीद खान एस्ट्रॉन और पी सी डल को ट्राई कर सकते हैं, ये तीन तीन ओवर पूरे ही डालते हैं, चार ओवर भी डाल सकते हैं। प्लेयर वाइज एसटीआर का आप स्टैट देख लीजिए, ऑलराउंडर का टी हेड एम शॉट हेट्रॉन बी वन टी ये भी अच्छे खेलते हैं, एवरेज स्कोर बनाते हैं कोई ज़्यादा नहीं। ठीक है चलो आगे शुरू करते हैं, होरियंस पे 11 विद रिसेंट स्कोर, होरियंस प्लेइंग 11 विद रिसेंट स्कोर। तो ये हमारी सेकंड वीडियो दोस्तों, थोड़ा सा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें कोई दिक्कत हो तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, थोड़ा सा होता है बंदे का सोचता है इस बारे में, तो प्लीज़ नोटेड। चलो दोस्तों बात करते हैं हुरियंस प्लेइंग 11 विद रिसेंट स्कोर। ये जेवेल अपने कुछ खास नहीं चले, डी शॉट थोड़े चल भी रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ये क्या नाम है इसका एम वाइड भी बहुत अच्छे खेल रहे हैं, टी डेविड कुछ खास नहीं कर रहे हैं, रिसेंट स्कोर बड़ा अच्छे प्लेयर है चल सकते हैं, आसिफ अली एक ही मैच में चले दोबारा चले नहीं, सैफ खान हमेशा मोस्ट पिक रहेंगे, विकेट भी ले जाते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, और जे पेरिस कुछ अच्छे नहीं चले, एनिल्स ठीक ही है विकेट ले जाते हैं कभी नहीं ले जाते, दो तीन मैचों में कभी ले गए नहीं ले गए ऐसा रहता है, पी डोली हमेशा विकेट लेके जाते हैं बट कभी दो मैचों में विकेट नहीं लेके रहे, रन मारे 10 में 1 में 0, आर मैड्रेथ भी ऐसा ही है, ये थोड़े प्लेयर कभी भी चल सकते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो इनके ओपन बॉलर रहेंगे उसमें अपना जे पेरिस पी डोली आर मैरिथर ने नील्स एन नील्स आर मैरिथर और एस खान ये डेथ में बॉलिंग करवाने आते हैं, जो चार पूरे ओवर डालते हैं वो एस खान है आर मैरिथ है और एन नील्स, ये हमेशा चार चार ओवर डालते हैं, जे पेरिस दो ओवर तीन ओवर कभी कभी डालते हैं चार ओवर भी डाल देते हैं, तो आप पी डोली एम डी शॉट में भी कभी कभी ओवर डालते हैं, अजय निशम भी ओवर डालते हैं, बट तीन ओवर मैक्सिम पूरे जो चार ओवर कराएंगे वो एस खान आर मैरिथ और एन नील रहेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। हम भी टीम में लास्ट जो चेंजिंग होती है उसको हम टेलीग्राम चैनल पे अपने टीम बना देंगे, यहाँ भी आपको एक टीम बना के दिखाएंगे, अगर कुछ चेंज नहीं होगी तो हम यही टीम बनाएंगे लास्ट में। ये एच यू आर के अपने ऑलराउंडर सेक्शन के स्टेट वाइज स्टेट्स हैं, जो भी प्लेयर अभी रिसेंट बैटिंग परफॉर्मेंस है इनकी सब इसमें मेंशन है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। हेड टू हेड स्टैट के बारे में टूप स्कोरर ऑफ एसटीआर वगैरह में बात करें तो जेविदरलैंड का स्कोर अच्छे एवरेज है, बट आज का मैच शायद वो नहीं खेलेंगे, एक कैरी का भी अच्छा रिकॉर्ड है, टी हेड का भी अच्छा रिकॉर्ड है, एम शॉट का भी एम रिशभ का भी एवरेज स्कोर एम रिशभ का रहेगा, और इसमें टी गैली भी और ये कुछ नॉर्मल है, डी शॉट का आप इस मैच को इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छा प्लेयर है खेल सकता है, एम वाइड और एम क्राफ्ट जो बी क्राफ्ट है ये भी बहुत अच्छा खेलता है, और टी डेविड भी अच्छा प्लेयर है, इसको आप आज जे वेल टी डेविड में से एक ट्राई कर सकते हैं। चलो दोस्तों आज टीम की बात तो हो गई और आज की टीम हम बनाते हैं और ज्वाइन करते हैं, हमारी ड्रीम 11 की टीम आज की, हम जैसे ही कुछ चेंज होगा लास्ट में टीम आते सारी हम चेंज कर देंगे और अपने टेलीग्राम चैनल पे 10 मिनट पहले डाल देंगे, आपके लिए फ्री है, और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा ज़्यादा विन करें और
कम से कम ग्रैंड लीग में दो ही टीमें लगाएं, अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करके कुछ ज़्यादा ट्राई मत करें, ज़्यादा पैसा डाल के कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। जब लक लगेगा, किस्मत चमकेगी, अच्छी चमकेगी। मैं चाहता हूँ कि कम पैसे से इन्वेस्ट करें और अच्छा खेलें, और अगर आपके पास पैसे है फिर आप अच्छी टीमें बनाएं, कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करके कॉम्बिनेशन बना के बहुत अच्छा ही खेल सकते हो। तो जैसे कि हमने बताया था मित्तल भाई अच्छा स्ट्राइकर रहेंगे, तो इसमें ये रहेंगे एच नील साहब छोड़ सकते हो, अभी एनकेरी वगैरह का खेलने का पता नहीं है, जैसे टीम आती है मैं आपको बता देता हूँ। क्रिस लेन हमारे मोस्ट पिक रहेंगे, ए हाउस रहेंगे हमारी टीम में। टीम डेविड के बारे में इसके कुछ कह नहीं सकते अभी, इसको छोड़ देते हैं, लास्ट में टीम जैसे आएगी तो चेंज करूँगा तो मैं आपको बता दिया जाएगा। एम शॉट हमारे पिक रहेंगे और एस खान रहेंगे, टी शॉट और कैमलन कोलिन डीग्राम में से इसमें अभी हम देखते हैं, कोलिन डीग्राम को बाद में देखते हैं, जेनीशियम को भी देखेंगे क्योंकि प्लेयर वाइज आमने सामने जो भी खेलेगा उसके वाइज देखते हैं कौन सा प्लेयर किस बॉलर के सामने टिकता है टिकता नहीं है, ये ज़रूरी होता है दोस्तों। और रशीद खान होटरों ने हमारे मोस्ट पिक रहेंगे, और इसमें पी सी डल को हमें भी छोड़ देंगे, वी अगरकर को लेंगे और आर मैदी रथ को रहेंगे टीम में, पी डोली वगैरह इनको अभी छोड़ देंगे, नील्स को तो अच्छा खेलते हैं मानता हूँ, बिल्कुल अच्छा खेलते हैं मानते हैं। इसमें हम जब चेंज करेंगे तो हम आर मैडर की जगह हम नील्स को ले लेते हैं, क्योंकि आर मैडर तो फॉर्म में नहीं चल रहा है, पिछले फॉर्म में कुछ खास नहीं किया था इसने तो। और बैटिंग लाइन लेंथ में हमें यहाँ ट्राई करेंगे इसको, क्योंकि आज शायद ये खेल सकते हैं तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है आज अपने बैट्समैन खेलेंगे ये पेन मैकड्रॉप, बिल्कुल और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। चलो इसके अलावा अपने पास एक टीम में अगर हम ट्राई करें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं टीम, बट मेरे आज ये आर्मेड रथ वाला थोड़ा पिक रहेगा, मोस्ट पिक रहेगा। और इसके बाद हम जैसे नई टीम अब आती है चैनल पे 3 घंटे बाद अब मैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें हम जो भी टीम बनाएंगे वो आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप प्लीज़ जुड़े रहना उस पे हम डालेंगे। चलो आज के टीम पे रहेगा ये, और कैप्टन में रहेगा हमारे एम शॉट और एस खान, आप हार्ड्रोन को भी रख सकते हैं वाइस कैप्टन, एस खान को मिसलिए क्योंकि बैटिंग भी अच्छी करते हैं विकेट भी ले जाते हैं। तो आज की टीम में ये रहेगा मेरे दोस्तों, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम फ्री में टीम आपको देंगे और ज्वाइन करेंगे, ये हमारी टीम रहेगी। अभी लास्ट में जो टीम रहेगी वो आपको बता दी जाएगी, कोई चैनल का वो रहेगा जैसा भी रहेगा, मैं कोई बड़ा मैच नहीं खेलता, एक ही मैच खेलते हैं दोस्तों, कोई मैं एक ही टीम लगाता हूँ, हमेशा एक ही टीम लगाता हूँ, हार जीत लगी रहती है, मैच चलते रहते हैं कॉन्स्टेंट चल। मैंने ज़्यादा ज़्यादा इसमें 10 या 15 हज़ार रुपये जीते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जीता दोस्तों। और मैं भी चाहता हूँ कि आप बड़ा अमाउंट जीत सकते हैं, बट मैं हारा कभी नहीं, और हार से बचने के लिए हम चलते रहना चाहिए, क्योंकि लूज़ को कवर करने के लिए हम अच्छा खेलते हैं, और लूज़ चलता रहता है दोस्तों, मेरा तो चलता रहता है, मैं चाहता हूँ कि आपका ना चले इसलिए मैं सेफ टीम बनाता हूँ, और आप अच्छे विन कर सकते हैं। आप हेड टू हेड 2 या 3 प्लेयरों में प्लीज़ इसको ज्वाइन कीजिएगा। चलो आज की टीम ये है, बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी टीम टाइम पर मिलती रहे। नो बकवास टाइम पास, चलते हैं, बाय बाय।